तो गाइस अभी आपने जो देखा ना, ये कोई वीडियो नहीं है, ये फोटोज है। इसे 360 डिग्री फोटोज कहा जाता है। आप जब भी कहीं पे घूमने जाते हो तो सिंपली आप करते क्या हो, अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन करते हैं और जो भी सीन आपको अच्छा लगता है सिंपली आप उस सीन का जो है फोटो वो कैप्चर कर लेते हैं। अगर आपको आसमान अच्छा लगता है तो आप आसमान का फोटो कैप्चर कर लेते हैं। अगर आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं तो आप सिंपली पेड़ पौधे के जो फोटोज है वो कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका जो फ़ोन का गैलरी है वो भी काफ़ी हद तक भर जाता है और बहुत सारे फ़ोटोज़ हो जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऊपर का फ़ोटो खींच सके, नीचे का फ़ोटो खींच सके, साइड का फ़ोटो खींच सके, मतलब 360 जिधर भी देखे उधर का फ़ोटो बस एक ही फ़ोटो के अंदर हम कैप्चर कर सके, मतलब सारे जो सीन है उसे एक ही फ़ोटो में कैप्चर कर सके। तो ऐसा करना कैसा रहेगा गाइस? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अपने मोबाइल के इसी कैमरा से, जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसी कैमरा से आप अपने मोबाइल से 360 डिग्री फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी अलग से जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं ना वो कुछ भी लेने नहीं पड़ेंगे। सिंपली आपको बस अपना मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और आप भी जैसा अभी देखे हैं उसी तरह का आप भी 360 डिग्री फोटो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो, अगर आपको भी 360 डिग्री फोटोज़ कैप्चर करने हैं ना, तो चलो फिर मैं आपको बताता हूँ यार, बहुत हो गया भाषण वाषण, है ना। तो गाइस 360 डिग्री फोटोज़ कैप्चर करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है गूगल कैम। और वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली आपको जाना है अपने फ़ोन के गूगल पे एंड यहाँ पे जाके आपको सिंपली लिख देना है जी कैम। और हाँ, यहाँ पे जैसे आप जी कैम लिखोगे ना, उसके बाद आपको अपना जो फ़ोन है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे जी कैम फॉर, यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है वो रेडमी नोट 9 प्रो है, तो यहाँ पे मैं रेडमी नोट 9 प्रो लिखूँगा। और आपका जो भी डिवाइस है ना, वो डिवाइस का नाम आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है और उसी वाले वर्ज़न को आपको डाउनलोड करना है। अगर आप कोई सा भी दूसरा वर्ज़न डाउनलोड करोगे ना, तो ये जो कैमरा है वो काम नहीं करेगा। तो जो भी आपका डिवाइस हो उसी डिवाइस का जो कैमरा है वो आप डाउनलोड करना, ठीक है ना गाइस। तो ये आप अच्छे से समझ लेना। और इस ऐप को डाउनलोड करना भी काफ़ी सिंपल है। जैसे आप सर्च करोगे जो पहला वेबसाइट आएगा उसी में जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली डाउनलोड का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको ऐप पे जाके दिखाता हूँ। तो इस ऐप को आप जैसे ही ओपन करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह से एकदम सिंपल सा जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। इसका जो इंटरफेस है काफ़ी सिंपल है और इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी आप इसमें शूट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे सेटिंग्स भी काफ़ी सिंपल है, तो ये सेटिंग्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब सीधे बात करते हैं कि 360 डिग्री फोटोज़ आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे एक है पोनोरोमा वाला, जो आप देखे होंगे पोनोरोमा वाला। एंड यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो फोटो स्पेयर ऐसा कुछ लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरह से कैमरा जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली कैप्चर करते जाना है जिस भी जगह का आपको कैप्चर करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं करने वाला पूरा रूम, बस आधा ही कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ और 360 डिग्री कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइस, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ ना, आपको भी सिंपली ऐसे ही करना है और आपको जिस भी जगह का फ़ोटो कैप्चर करना है उसको कैप्चर करते जाना है। तो फिलहाल यहाँ पे आप पूरा कर लेना, मैं यहाँ पे आधा ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रूम छोटा सा है और मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ ना, मैं पहले ही बताया। तो बस यहाँ पे इसी तरह से आपको कैप्चर करते जाना है और वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट स्टेप अभी आपको बताना बाकी है। तो सिंपली इस तरह से फ़ोटो कैप्चर करना है, सेव करना। सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे देखना फ़ोटो सेव हो चुका है हमारा। तो गाइस, फ़ोटो जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे बीच में आपको एक छोटा सा गोल से ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपका जो फ़ोटो है वो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब देखो 360 में दिखाई देगा। तो यहाँ पे पीछे मैंने जो खींचा था वो, मतलब मैंने पीछे का जो सीन है वो नहीं खींचा, तो यहाँ पे ब्लर है। और सामने का जो सीन है वो मैंने खींचा, तो इस तरह से सामने का जो सीन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह से आप भी किसी भी जगह का 360 फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप इस फ़ोटो को ना अपने जो फ़ोन के नॉर्मल गैलरी होता है ना उसमें नहीं देख सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको फ़ोटो का जो एक अलग से फ़ोन में रहता है ऑप्शन, तो उसमें ही आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने फ़ोटो के जो ऑप्शन है इसमें गया, मतलब जो फ़ोन में दिया रहता है उसमें गया, तो यहाँ पे जो वो फ़ोटो है वो शो भी नहीं कर रहा है, मतलब इसमें आप नहीं देख सकते हो 360 में। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो फ़ोटो का गूगल फोटो वाला जो ऑप्शन रहता है इसमें जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो है वो दिखाई देगा। तो इसमें ही आपको ओपन करना है और यहीं से ही आपको सेंड करना है किसी को भी। अगर आप व्हाट्सएप में किसी को सेंड करोगे ना, तो उसको भी आपको बोलना पड़ेगा कि इस वाले फ़ोटो को आप
फोटोज गूगल फोटोज में जाके ही ओपन करो, तभी उसको भी 360 दिखाई देगा। और इसको सिंपली डॉक्यूमेंट में आपको सेंड करना है अगर व्हाट्सएप में सेंड करते हो तो। और गाइज ये जो कैमरा है ना वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो नाइट शॉट है वो भी बहुत ही झक्कास आता है। यहाँ पे देख सकते हो नाइट शॉट जो कि मैंने 360 में खींचा है, तो इसको भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। तो गाइज मैं आपको फुल्ली गारंटी दे सकता हूँ कि इस वाले ऐप को आप जब डाउनलोड करोगे ना तो आपके फ़ोन से ये बिल्कुल भी अनइंस्टॉल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यार ये कैमरा बहुत ही झक्कास है, आप इसे नॉर्मल सेल्फी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक इतना ही था आज के इस वीडियो में, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।